ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਆਏ ਓ ਨੁਰੀ ਨਤਾਗ ਡਾਸਾ ਚਕਲਾ ਆ ਵੱਟਦੇ ਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕੇ ਓਏ ਆ ਵੇ ਜਵਾਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਸ ਗੱਲ ਜਾਏ ये बता मुझे तू इसके ऊपर कैसे आया है? इसके ऊपर कैसे आया हूँ? हाँ ये बता। ये इसके घर में तबीज दबे हुए हैं, इसलिए इसके ऊपर आया हूँ। सिख है तू? हाँ सिख है। तो मुझे कसम है अपने ग्रंथ किताब की। मुझे कसम है अपने ग्रंथ करार की। ग्रंथ किताब की? ग्रंथ किताब की। सच बोलूंगा? सच बोलूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा? झूठ नहीं बोलूंगा। ये काफी सारे दो नंबर लोग काम करने वाले शब्दाबाज लोग ये कहते हैं कि जादू के जरिए जिन नहीं आ सकता, तेरा क्या ख्याल है? आ सकता है, जिन आ सकता है। मैं तुझे इसलिए तस्दीक करा रहा हूँ, मुझे पता है कि जादू के जरिए जिन्नात आते हैं। हाँ। लेकिन जो दो नंबर लोग काम कर रहे हैं शब्दाबाज लोग, दो नंबर बहुत लोग हैं, अब वो कहते हैं जी कि जादू के लिए जिन नहीं आ सकता, तेरा क्या तजिया है? आ सकता है, आ सकता है। तू खुद जादू के जरिए आया? जादू के जरिए आया हूँ। तो जादूगर ने क्या क्या ड्यूटी लगाई थी इसके ऊपर? जादू के कल मैं निकल गया था इसे। अच्छा। ये फिर मैंने उस जादूगर के पास गया, उसने बोला तुम इधर क्या लेने आए हो? अच्छा। जाओ उसमें, फिर जाओ। मैं फिर उसमें आ गया हूँ। तेरे साथ कितनी मखलूक है? बहुत सारी मखलूक है इधर, सभी मखलूक है हमारे साथ है। कितनी मखलूक है? लाखों करोड़ों है। नहीं, तेरे साथ के? तेरे साथ मेरे साथ 50 लोग हैं, 50। तो उनका क्या है, सरदार है क्या? सरदार, सरदार। अच्छा, तूने इसको गिराना नहीं है, तू इसके जिस्म में आया है। अपनी ताकत का दिखा दे। वाकई तेरे पास ताकत है? अच्छा, अभी ये तो बता कि तूने इसके नुकसान क्या क्या किए? नुकसान इसका घर मैंने तबाह कर दिया है। क्या क्या तबाह किया है? ये क्या क्या है, इसके बीवी बच्चे इसे नफरत करते हैं, और क्या करते हैं, ये भी दर बदर भटक रहा है। इसको कभी किसी से राम नहीं आ रहा, कभी उधर गया कभी उधर गया। मैं इसके रास्ते में रुकावट बन जाता हूँ, इसका काम पूरा नहीं होना। आज दिन तक तू इसके साथ रहा है? ये जो दो नंबर लोग काम करने वाले शब्दाबाज है, कितने पैसे लुटा के आए उनसे? उनसे? हाँ। पैसे मैंने बहुत लुटाए हैं। कितने? बहुत सारे पैसे लुटाए, कभी इधर जाए कभी। मोटे मोटे अंदाजा लगा? 40-50 हजार मैंने उड़ा दिया है। ठीक। तो जो ये शब्दाबाज लोग हैं, दो नंबर लोग काम करने वाले, कभी तू उनके पास हाजिर हुआ या नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ, उन लोगों को पता ही नहीं चलता कैसे करना है काम। यहाँ पे तूने क्या जलवे नजारे देखे? जलवे नजारे इधर देखे आस्थाने आलिये के? हाँ। ये मैंने कभी किसी कभी भी नहीं देखे, ना ऐसा काम कभी देखा। ऑपरेशन में तूने क्या देखा? जब ऑपरेशन में जब मैंने देखा, ऊपर से अल्लाह का नूर आ रहा था आसमान से, माशाल्लाह, आसमानों से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनका नूर आ रहा था नीचे। सही कह रहा है, बताता हूँ। तू ठीक है, गैर मतलब है, सीख है, लेकिन तू बात सच बोल रहा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आ रहा था। तो जिन्नात चीखो पुकार कर रहे थे, उनको क्या हो रहा था? हैं, वो उनको तकलीफ हो रही थी। वो जिन लोगों में हाजिर थे, वो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आ रहा था, उन लोगों को तकलीफ, जिन्नात को तकलीफ होती थी कि ये ना आए। तुझे भी तकलीफ हुई थी? हाँ, मुझे भी हुई थी। मैं निकल गया था, मैं फिर अपने सरदार के पास गया, उसने बोला तुम फिर इधर क्यों आओ, क्यों आए हो? ठीक है, ये जो आदमी अभी अभी तुम्हारे सामने खड़ा है, ये इधर थोड़ा सा गया और तुम इधर काम कर रहे थे, मैंने देखा मौका अच्छा है, फिर इसमें घुस गया। ठीक। हाँ, जो तू फिलहाल था जो गुफ्तगू कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, तू बेशक सिख है, हमारा कोई इतराज़ नहीं है, तेरा मजहब है, हम तेरे मजहब पे अटैक नहीं करते। ठीक है, तू बातें सही कर रहा है। मुझे आज़ाद करा दो इसे,
ये मुझे ये जो बहुत बड़ा पढ़ाई करता है ना वो मुझे जलाती है अंदर से। ये जिस ये जिसके जिस्म में ये रहने वाला कहाँ का है? हाँ ये कहाँ का रहने वाला है? ये उकाड़े का रहने वाला है। उकाड़े का कितने साल हो गए तू इसके ऊपर आया? मैं तकरीबन 12-14 साल से है, इसका सारा काम मैंने किया। पहले ये शटरिंग वाली दुकान पे काम कर रहा था, उधर मैंने इसका थोड़ा सर घुमाया, ठीक है। फिर मैंने इसके ताव ताव को बहाना दिया, इसने सर में कपड़ा रखा, ठीक है, मैंने इसके सर में घुस गया, ठीक है। अच्छा, इसको दबा घुमा दिया, फिर ये कभी उधर जाए कभी उधर जाए कीमो के पास। अच्छा, मेरे सर में ऐसा हो गया है। अच्छा, नाम दे रखे, नाम नहीं पूछा, नाम बता दे, तेरा नाम क्या है? जबरील सिंह। जबरील सिंह। हाँ। अच्छा जबरील सिंह, बात यह सर है लोगों के लिए। हाँ। मुझे तो अल्लाह ने बड़ा नॉलेज दिया। हाँ। बड़ा मैंने सब कुछ देखा, बड़े करीब से जिन्नात से मेरी मुलाकातें हुई। हाँ, बहुत बड़ी हस्ती महफिलें हुई, खाते पीते रहे, उठते बैठते रहे इनके साथ। मेरे बाजू था गेंगा को, खैर कुछ भी नहीं हुआ। तू ताकत तुझे और लगे। हाँ। ताकत तुझे दे दी। हाँ, ताकत। अच्छा लोगों के लिए, अवाम नास के लिए मालूमात, खाते पीते क्या हो? खाते पीते क्या होती है? गोश्त खाते हैं। गोश्त हराम या हलाल खाते हैं? क्या खाते हैं? हराम 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 खाते हराम है। खाते हैं। हड्डियां भी खाते हैं? हड्डियां भी खा जाते हैं, गधे का गोश्त खाते हैं ये। ज्यादा गोश्त कौन सा अच्छा लगता है तुझे? ज्यादा कौन सा इंसानों का अच्छा लगता है? इंसानों का भी। हाँ, इंसानों का भी जो इसमें घुस जाते हैं उसका भी गोश्त ये आस्ता आस्ता खून निचोड़ लेते हैं। खून भी निचोड़ लेते हैं, खून ये पीते हैं। अच्छा आप रहने वाले कहाँ के? पाकिस्तान के, इंडिया के, या किधर के रहने वाले हैं आप? हम इंडिया के रहने वाले हैं। इंडिया किस शहर के? दिल्ली शहर के हैं। दिल्ली के उधर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है हमारा, हम सब लोग उधर बैठते हैं इकट्ठे होकर। आपको सिख जुबान बोल के बताओ ताकि लोगों को पता चले बाकी सिख आया है, पता लगे। ओए तो सिखी कर दे, असी इंज कर देंगे, ओए अनुरी नताक जासा चकला आप पट देंगे सारे नु। वाकई ओए आ भाई जवाना की हाल है तेरा? अच्छा तुहाडी एक और गल दसो, तुसी इंडिया कितना अरसा होके फिरंदे पे हो? असी असी तो उदो बड़ी देर हो गई सानू उठे रहंदे। पूरे खानदान कबीला तुहाडा उठे ही है? हां सारा खानदान उठे ही रहंदा। हां चलो तुसी इंडिया दे मोदी दे बारे तुहाडे के ख्याल आ? मोदी कमीना आदमी है जी, उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? बहुत सुनाई आदमी है। अच्छा बहुत सुनाई है, वो किसानों का हक नहीं दे रहा, हमारे जो किसान भाई हैं उनके हक नहीं दे रहा, कभी ये करता है उनको मारता है पीटता है, कश्मीर में सारा जुल्म करा रहा है, वो मोदी करा रहा है, अभी पाकिस्तान के भी पीछे भी साजिशें कर रहा है पाकिस्तान को। मोदी के बारे में ये तो आपका जिन्नात का ख्याल आता है, जो सिख है बड़े बड़े जात्री हैं, बड़े बड़े सिख बैठे हैं वहाँ पे, इंसान जो है। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो, अच्छे लोग, वो पाकिस्तान पाकिस्तान के हक में भी, वो हक में है। हाँ हाँ मोदी के बारे में उनके क्या ख्याल आते हैं? वो मोदी के खिलाफ है, वो ये पाकिस्तान के खिलाफ ना, ये जो सिख लोग हैं ना ये पाकिस्तान के खिलाफ बर्तरी करते हैं, ठीक है। जो मोदी है ना वो कहता है तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? अच्छा ये जो अपना आपके बड़े बड़े अपना दरगाहें बनी हुई है हसन अब्दाल वगैरह, उधर क्या 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 जलवे, क्या क्या नजारे हैं? जलवे देखे उधर, सरकार के जलवे देखे हैं हमने, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां दो तालाब में, ठीक है, दोनों तालाब है, अभी तो एक सूखा हुआ है वो एक में है, और एक सोने का ऊपर गुंबद है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, हम सब लोग आते हैं जब ट्रेन से आते हैं उधर से, फिर इधर आकर रहते हैं, इधर जब हमारा गुरुद्वारा होता है फिर हम सब लोग इधर जैशी मैशी करते हैं। तो जब आपको तो टिकट की जरूरत, आप उड़ के आ जाते हैं? हमें क्या जरूरत है जी। हाँ। हमें जब चाहे अंदर चले जब चाहे बाहर आ जाए, हमें कौन देखेगा? तो पीर पंजा सरकार की भी कोई ताकत है उधर? बहुत बड़ी ताकत है उनके पास। आप पीरों फकीरों को मानते हैं? हाँ सबको मानता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, तो आप के जो जिन्नात जब मर जाते हैं तो उनको दफनाते हैं, जलाते हैं, क्या करते हैं उनको जो जिन्नात मरते हैं? वो जिन्नात में उनको जला देते हैं। आप भी जलाते हैं? वो सब लोग जला देते हैं ना, वो तो हिंदू जलाते हैं। सिख कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? जो सिख लोग नहीं जलाते, सिख नहीं जलाते, नहीं जलाते। जो आपके जिन्नात मरते हैं उनको क्या करते हैं आप? जो मर जाते हैं जिन्नात जो मर जाते हैं उनको आप क्या करते हैं? वो तो हम फेंक देते हैं उसको, बोलो फेंको इसको। कहाँ पे? पहाड़ों पे? पहाड़ों पर फेंक देते हैं उसको, जो मर जाए उसको नहीं हम रखते, बोलो जो मर गया अच्छा इसको फेंक दो, फेंक दो। हाँ फेंक दो, नीचे फेंक देते हैं। शादियां वादियों कैसे होती है? जिन्नात की शादी ऐसे होती है जैसे ये शहरी लोग में करते हैं ना, ऐसे करते हैं। वो कैसे करते? जो तंबू लगाते हैं, राड लगाते हैं,
नाच ढोल गाना होता है। अच्छा। हाँ सब कुछ डांस मांस करते हैं सब लोग। अच्छा तो खाने पीने में शादी में क्या इत्माम करते हैं? शादी में ये जो इधर का खाना नहीं है इनके पास भी नहीं है, वो उनके पास जो खाना है वो बेहतरीन खाना है। क्या खाना? क्या खाना? उधर हलवा है, पूरी है, ये खीर है, बिरयानी है। नहीं वो तो दुनियावी है ना, आप जिन्नात वालों का क्या, जो लोग बारात में आते हैं वो क्या क्या खिलाते हैं शादी? क्या क्या? उधर लड्डू भी, लड्डू बहुत पसंद है। तो लड्डू कहाँ से लाते हैं आप? लड्डू हम लेके आते हैं, हमने हलवाई वाले रखे हुए हैं अपनी दुकानें। हाँ अपनी दुकानें, सब कुछ है, सारा सामान है, सब कुछ है। हाँ सब कुछ है हमारे पास, इधर हमारी मार्केट है, मार्केटें भी है। हाँ, हमें तो कभी नजर नहीं आई, आपको नहीं नजर आ सकती। अच्छा तो ये बताएं कि एक जिन्नात जो है, जैसे हमारे मर्द औरतें इंसानों में है, किसी दो हैं, चार हैं, पांच हैं, छह बच्चियां बच्चे होते हैं, ज्यादा दस हो गए, बारह हो गए, जिन्नात के कितने बच्चे बच्चे होते हैं? बीस बीस होते हैं, चालीस चालीस होते हैं। क्या बात है। एक टाइम पे कितने कितने बच्चे देते हैं? चार चार पाँच पाँच देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जिन्नात की उम्र कितनी है? ज्यादा ज्यादा इनकी दो दो हजार चार चार हजार सौ साल इतनी है, बहुत लंबी उम्र है, ये जल्दी नहीं मरते। जब ये इनके कोई सट वगैरह लगती है ना, ये जब उड़ कर जाते हैं, किसी से टकरा जाते हैं, फिर इनका जख्म नहीं भरता। उड़ते भी हैं? हाँ उड़ते भी हैं, ये कभी उधर जाते हैं। तो टक्कर किस चीज़ से इनको लगती है? टक्कर इनसे इनकी लगती है, कभी पत्थरों से लगी, कभी दरख्तों से टकरा कर चले गए, कोई लकड़ शकर बच गई है ना, तो ये फिर ये जख्मी हो जाते हैं, ये जख्म फिर इन्हों का नहीं छोड़ता, ये फिर चीखा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਿੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਏ ਤੇ ਰਾਤ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਵੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਇਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਸਥਾਨਾ ਆਲੀਆ ਪੀਰ ਅਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਜ਼, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪੜਾਈ ਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦਾਵਤ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ, ਚੱਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਕਲਮਾ ਹੁਣ ਪੜਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਨੂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਆ ਬੇਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ 10 ਕਲਮਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਆਹੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Eh tere beli asta sa padne ne ka uccha padho na. Uccha padho hai to se ka padha da jaye holi hai. Uccha padho hai. Ha main ache tere ka jawa ka hai bicho. La ilaha. Jap kar ga bicho uccha uccha padho. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ, ਨਹੀਂ ਬਮਾ ਕਬੀਲੇ, ਹੈ ਬਮਾ ਕਬੀਲੇ, ਬਮਾ ਕਬੀਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋਗੇ? ਆਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਸਥਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਕਰਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਦਵਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ ਹਾਂ ਯਾ ਖਾਂ ਜੋ ਇਹ ਖਾਣ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਬਾ ਲੰਗਰ ਗੋਸ ਪਾਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਾ ਗੋਸ ਪਾਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਈ ਪੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸ ਲੋ ਗੁਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ ਸੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਨੋ और वो गिटार और दूसरा वो क्या कहते हैं उसको टिंग टिंग करने वाली होती है जो वो पहले पुराने स्टार की, स्टार हाँ स्टार जिसको बोलते हैं अच्छा वही बजती है किंग 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 अच्छा किंग 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 कहाँ कर टिंग 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 आने गाले हैं जो तुम्हारे सिख यात्री बैठे ने इंडिया तुम देख रहे हैं सारे सुन रहे ने उन्होंने क्या दसना चाहते हो उन्होंने मैं दसना चाहना कि साढ़े इतने पाकिस्तान के बच्चे आओ वेखो इतने इलाज हों पाया वो इतने इलाज लोगों द्वारा भज भज के मारते उन्होंने को नहीं तो ढो मिलियन डी बड़े लोग मरण डे ने उ आखरी दफा ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡੇ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨ ਆਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾ ਆਨ ਤਾਕਤ ਕਿ ਦਿਦਾ ਆਖਰੀ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਪੁਰ ਦੇਖੋ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਅਜ਼ਮਾ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ड्यूटी करदे ताकत वाले ने नॉर्मल ने इथे केड़े ए बेली इथे ड्यूटी करदे ने ये सारे ढिल्ले बंदे ने अच्छा आहो तुसी या भी ना रखे ने इने चूड़ियां चूड़ियां टाके चूड़ियां चूड़ियां की खादी हो जी ना पूरा करने वाले ने यार अचानक झटका मार के आन झटका मार के जिस्म जो निकल अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम।